हम अपने पिछली अवधि में हड़ताल नाम के पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो गौरव नाम का जो लड़का था वह अपने आप सोच रहा था कि गर्मी के कारण बहुत ही परेशान था। कल रात से उनके घर में लाइट ही नहीं आए थे, उसके चलते ना फैन चल रहा था ना कूलर चल रहा था, और वह वहाँ पे सवेरे से पानी भी नहीं आया था इसलिए वह नहा सके। इतने में क्या हो गया, उसका एक दोस्त गौरव आ गया और उससे वह गौरव अमोल से पूछता है कि क्या हो गया है, तुम परेशान क्यों हो। तब अमोल वहाँ की परिस्थिति को वह बता देता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। गौरव बोलता है, अरे यही स्थिति तो मेरे मोहल्ले में भी है, हमारे यहाँ भी कल शाम से ही बिजली पानी दोनों गायब है। गौरव बोल रहा है सेम एज इट इज, यहाँ पे कैसी परिस्थिति है वैसे ही परिस्थिति हमारे मोहल्ले में भी है, हमारे कॉलोनी में भी वैसा ही परिस्थिति है। कल शाम से न लाइट है और न ही पानी आया है। ठंडी टंकी में थोड़ा पानी बचा था तो हम लोगों ने नहा धो लिया। तो टंकी में थोड़ा है होता है, टैंक में थोड़ा सा पानी बचा होता है, इसलिए हम सब लोगों ने क्या किया, अपने आप को नहा धो लिया। मैं तो तुम्हारे यहाँ यह सोच कर आया था कि यहाँ बिजली होगी। गौरव बता रहा है अमोल, मैं सोचा था कि तुम्हारे घर में बिजली होगा इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, तो कुछ देर यहीं आराम करूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ तो और भी अधिक गर्मी है, लेकिन यहाँ पे मेरे घर से भी ज्यादा गर्मी है यहाँ पर। तब अमोल बोलता है, लगता है पूरे शहर में यही हाल है। पूरे शहर में भी, पूरे सिटी में ही इस तरह का हाल है शायद। रात छत पर गया था तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मैं रात के समय सोने के लिए छत पर गया था, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा वहां पे दिखाई दे रहा था। गौरव, हाँ अमोल, यहाँ आते समय मैंने देखा कि जगह जगह हैंडपंप के पास लोग बाल्टी लिए कतार बनाए खड़े हैं। गौरव बोल रहे, हाँ अमोल, जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना, तब जगह जगह पे लोग हैंडपंप पर हैंडपंप के पास बाल्टी लेकर कतार बनाए खड़े थे, लाइन में लाइन लगाकर खड़े हुए थे पानी भरने के लिए। तब अमोल बोलते, अच्छा रुको, चाय बनाता हूँ, फिर बैठकर दोनों लोग गपशप करेंगे। तब अमोल कहता है, तुम बैठे रहो, मैं थोड़ा चाय बनाता हूँ और बाद में हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। सर वो बोलते, तभी होते हैं, हम देखिए अमोल उठकर सिलेंडर और चूल्हे का स्विच ऑन करता है, फिर माचिस की तीली जला जला कर बर्नर पर रखने लगता है। क्या करता है वह, सिलेंडर के पास जाकर उसको ऑन करने लगता है। वह एक के बाद एक चार पांच तिलियां जला डालता है, लेकिन बर्नर आग नहीं पकड़ती। जो सिलेंडर का जो बर्नर था और स्टोव का, वह उस आग को नहीं पकड़ रही थी, इस तरह वहाँ पे सिचुएशन था। तब गौरव पूछता है, अमोल, लगता है सिलेंडर में गैस खत्म हो गई है। तब गौरव बोलता है अमोल से, अमोल, शायद सिलेंडर में से गैस खत्म हो चुकी है, ऐसा लगता है। तब अमोल गैस सिलेंडर को हिलाते हुए हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि गैस खत्म हो गई है। हाँ दोस्त, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि गैस खत्म हो चुकी है। तब गौरव बोलता है, रहने दो, चाय वाय का चक्कर छोड़ो, यहाँ तो गर्मी के मारे बैठना भी मुश्किल हो रहा है। तुम चाय वाय का छोड़ो, इस गर्मी के कारण यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। चलो बाहर चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, चलो बाहर चलते हैं, कंपनी बाग में पेड़ों की छाया में बैठेंगे। क्या करेंगे, कंपनी का जो बाग है, जो गार्डन है, वहाँ उसके छाया में, पेड़ों की शैडो में हम लोग बैठेंगे। इस तरह वहां पे वह बोल देते। तब अमोल कहता है, अच्छी बात है, मैं अभी कमीज पहनकर आता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, मैं क्या करूंगा, ड्रेस पहन के आ जाता हूँ। अब अमोल मंच के पीछे जाता है, थोड़ी देर बाद पैंट शर्ट पहनकर वापस आता है और स्कूटर स्टार्ट करने लगता है। अमोल घर में अंदर जाकर पैंट शर्ट पहन कर आता है और अपने स्कूटर को शुरू करने में लग जाता है।
लगातार कई बार किक मारने के बाद भी स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है तो वह स्कूटर की पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोलता है, अंदर झांकने लगता है। स्कूटर को शुरू करने की प्रयास करता है, स्कूटर शुरू नहीं होती है तब वह उसके पेट्रोल की टंकी खोलकर उसको देखने लगता है, फिर उसके अंदर झांकने लगता है। ठीक है, आज यहाँ तक काफ़ी है, हम लोग अपने कल की अवधि में आगे को देखेंगे, आगे जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।